अस्सलामुअलैकुम जी भैया, कैसे सब भाई? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि लोड शेडिंग हो रही है आजकल बहुत ज़्यादा, जिन भाइयों के पास UPS बैटरी वगैरह या कुछ सोलर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जब लाइट चली जाती है घर में, छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ लेके आऊँ, इंतहाई कम प्राइस में, जो आपको बैकअप कम से कम आपके बच्चों के लिए तकरीबन जो एक बेड के लिए बेहतरीन चीज़ है और बैकअप आपको बहुत अच्छा देगी। मैं आपको सारा इसके क्वालिटी के बारे में बताऊंगा इसमें बैटरी कितने लगी हुई है, कितने वाट का है, किस तरह काम करता है, मुकम्मल तफसील आप सब कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। चार्जिंग फ़ैन भी इसे कहते हैं, DC फ़ैन भी कहते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग कितनी होगी इसकी, कितना बैकअप आपको दे सकती है, आपको चार्जिंग कितना करना होगा। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊं कि इसके पार जो लगे हुए हैं प्योर में लगे हुए हैं, यानी कि प्योर माल में लगे हुए हैं, सब्सक्राइब में नहीं है ये वाले। और इसका आप जंगला देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। आपको अच्छी बात बताऊँ कि यानी कि जैसे आप स्टैंड वाला पंखा छोटा बड़ा कर सकते हैं, सेम वही पंखा लेके आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, जितने यहाँ पर सेट करना चाहे सेट हो जाएगा, यानी कि बेड के लिए आप ऊपर करना चाहें, छोटा करना चाहें, वो भी इसमें हो जाएगा। तो अभी इसके इस्तेमाल का तरीका ये है, या चार्जिंग वगैरह का तरीका ये है कि जैसे कि ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ऊपर लिखा हुआ है ऐसे, नीचे लिखा हुआ है DC, आप चेक कर सकते हैं। आप अगर इस लगाते हैं चार्जिंग पे, ये आम शू है सिंपल, इसे आप बिजली पे लगा देते हैं तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि चार्जिंग भी हो और साथ आपका फ़ैन ऑन भी हो, तो आप इस बटन को एक नंबर पर ले आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ये अभी इस टाइम पे इसकी चार्जिंग भी होगी, अगर आप ये बिजली में ले जाएंगे तो ये ऑन भी हो रहा है फ़ैन। अच्छी हवा है, आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त हवा है। इसके लिए एक चारपाई के लिए या एक बेड के लिए ये बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। आप देख सकते हैं हवा बहुत अच्छी है इसकी। और अगर आप इसे चार्जिंग पे लगा देते हैं, कहते हैं कि सिर्फ चार्जिंग पे लगा हो और ये साथ ऑन ना हो, ये आप चेक करते हैं, आपने इसे यहाँ पे रखना है। अगर आप चार्जिंग पे लगाते हैं, एक नंबर पे आपने कर लेना है और इसे चार्जिंग पे लगा देना है, जब बिजली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली फुल ऑन हो जाएगा, यानी कि आपको उठ के दोबारा ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये ऑन हो सकता है। अभी मैं आपको चार्जिंग पे लगा के चेक करवाता हूँ उसका तरीकाकार क्या है, वो आपको बताऊँगा कि कितने वाट का उसमें बैटरी कौन सी लग रही है। इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बताता हूँ, इंतहाई सिंपल और ज़बरदस्त तरीका है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये अभी देख लें पावर, यानी कि ये अभी ऑन है, ये चार्जिंग पे है, पावर का मतलब चार्जिंग हो रही है इसका, और फ़ैन मतलब साथ फ़ैन भी चल रहा है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये चार्जिंग भी हो रहा है साथ और ऑन भी है। अगर बिजली चली जाती है आपकी, समय शू निकाल दूँगा तो देखिएगा फ़ैन फिर भी चलता रहेगा, यानी कि जहाँ पे ऑटो पे लगा हुआ लाइट जाने की सूरत में ये खुद खुद ऑन हो जाएगा। रात को अगर लगाए 1 बजे 2 बजे लाइट चली जाती है तो आपको उठ के ये ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह ये खुद खुद ऑन हो जाएगा। बैटरी इसमें जो लगी हुई है आपको बता दूँ, ये इसमें लगी हुई है पावर लीड जो नीचे बैटरी से इसके साथ कनेक्ट है। बैटरी इसमें सोगो कंपनी की लगी हुई है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, कम अज़ कम जो आपको बैकअप देती है 3 से 4 घंटे, और इससे अच्छा भी बैकअप 5 घंटे भी दे सकती है। अगर ये चार्जिंग फुल हो तो 5 घंटे तक आपको लगातार बैकअप देता है, ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जबकि वाट की बात की जाए तो टोटल ये 35 वाट है, यानी कि पंखे के जो 35 वाट है, बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छा देगी आपको इंशाल्लाह। ऐसी मजीद वीडियो के लिए हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंशाल्लाह। और बहुत शुक्रिया।